वृंदावन की पहचान है, हर समय 2400 घंटे परिक्रमा चलती रहती है। और सब गए जो बेवकूफ बना देते हैं सवारियों को, काकी कहाँ छोड़ के आया। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह के 7:30 बजे आज जल्दी आ गया हूं भाई, और इसकी क्या वजह है वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। आज मंडे है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. तो गाइस जब मैंने ऑटो लिया था तो सोचा यही था कि मैं दूर दूर जा सकता हूँ किसी भी मंदिर पर, क्योंकि ई रिक्शा से बैटरी वाली जो गाड़ी होती है उससे नहीं पहुँच पाता था, टाइम ज़्यादा लगता था, परेशान भी हो जाता था। तो इस वजह से सोचा कि मैंने ऑटो ले लेता हूँ। तो ऑटो से ये है कि आराम से जा सकता हूँ सवारी लेके भी, और कभी सवारी नहीं मिलती है कहीं का वीडियो बनाना तो ऑटो से आसानी से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि बाइक तो मेरे पास है नहीं भाई। तो यही सोच के मैंने ये गाड़ी ली थी, लेकिन यार जब से गाड़ी ली है ना पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है, ना तो सवारी मिल पाती है ना ही काम कर पा रहा हूँ। और जब काम नहीं मिलता ना भाई, परिवार चलाने की जिम्मेदारी मेरे पास सबसे पहले है, लेकिन कई लोग कमेंट करके ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं यार कि थोड़ा सा फील होता है, लेकिन कोई नहीं, ऐसी बातें भी कर रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्यार भी अच्छा खासा मिल रहा है आप लोगों का। जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से ठीक नहीं चल रहा है। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम सोचते कुछ हों होता कुछ है, तो वही हो रहा है आजकल। सोचा तो यह था कि ऑटो ले लूँगा तो अच्छे से जा पाऊँगा, कहीं भी वीडियो बना पाऊँगा, लेकिन यार जब काम के पर्पज़ से पूरा मामला गड़बड़ हो गया है, काम नहीं मिल पाता इससे यार मैं बैठा रह जाता हूँ। आपको पता ही है एक पैर से विकलांग हूँ। सुबह सुबह आज पहली सवारी मिली है, और पहली सवारी ने गड़बड़ कर दी है। पीछे जो खड़े ना इनमें मेरी भी गाड़ी लगी हुई है वृंदावन ले जा रहे हैं छोड़ने के लिए, लेकिन इनमें से कभी कभी आपके साथ भी कभी हुआ होगा ऐसा हो जाता है कि भाई साहब अपने जैसा ही किसी और का बैग था उसको उठा के ले आए, लेकिन ईमानदार आदमी इनको याद आ गया कि ये बैग मेरा नहीं है, तो इनके कुछ साथ ही वापस करने गए हैं मथुरा जंक्शन का जो GRP था ना वहाँ पर जमा करने के लिए, कि गलती से किसी और का बैग आ गया है तो उसको वापस करें, उसी का इंतजार हो रहा है। अब ये आ जाएं वापस निकल के स्टेशन से तो फिर इन्हें वृंदावन लेके जाएंगे। तो गाइस यार कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं आपके ब्लॉगों में मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं यार क्यों नहीं आ रहा भाई। और कई लोग बोलते हैं भाई कि स्टेशन और घर के ही ब्लॉग बनाते हो। यार मैं कई बार अपने ब्लॉगों में बता चुका हूँ भाई, मेरे पास जिम्मेदारियाँ पहले हैं भाई, मैं रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला आदमी हूँ। अगर अलग से टाइम निकालने लगूँगा, जो टाइम निकालता हूँ ना ये ब्लॉगिंग करने के लिए, वो भी अपनी जेब से ही भुगतना पड़ता है मेरे को। दो बच्चे हैं यार, एक पैर का आदमी हूँ भाई, ज़िंदगी भी चला रहा हूँ, ब्लॉगिंग का भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलने लगेगा ना तो स्पेशल ब्लॉग भी आएंगे, मंदिरों के भी आएंगे, और भी जगह के आएंगे, बहुत कुछ सोचा हुआ है, बस थोड़े से आपके प्यार का इंतज़ार है। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए तो भाई आप जो बोल रहे हो वो भी करके दिखाएगा आपको। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यार ज़िंदगी में भाई, बच्चे पालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है ना उसमें तो भाई मैं कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मुझे हर हाल में करनी ही होगी, वरना ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करूँगा घर के लिए कुछ नहीं कमाऊँ तो घर वाले मारेंगे, ब्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात है, मेरे को घर में जीना आराम हो जाएगा यार। ये मेरे पीछे परिक्रमार्थी हैं कुछ, ये देखिए ये वृंदावन की पहचान है, हर समय 2400 घंटे परिक्रमा चलती रहती है, और सत्संग भी दुनिया में इकलौता स्थान है वृंदावन जहाँ हर समय 2400 घंटे परिक्रमा जारी रहती है, और 2400 घंटे ही कहीं ना कहीं सत्संग जो कीर्तन होता है वो चलता रहता है। तो ये केवल पूरे वर्ल्ड में आपको मथुरा के वृंदावन में ही मिलेगा। तो भाई बड़ी मुश्किलों से काम मिला है भाई यहाँ वृंदावन में। पीछे मेरे महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है, इसके लिए दो सवारियाँ लेके आया था, उन्हें छोड़ दिया है, अब मथुरा जाऊँगा। 12 बज गए, भूख लग रही है बहुत तेज यार। चलिए मथुरा पहुँचते हैं वापस। आज का दिन बहुत स्लो रहा, सोमवार था, वैसे भी सोमवार हल्का ही रहता है, शुरुआत होती है ना हफ्ते की, फ्राइडे शनिवार और इतवार को तो मैं बता ही चुका हूँ बहुत तेज काम रहता है। मेरा तो कल संडे भी बेकार गया था, लेकिन चलिए छोड़ दिया है, पीछे सवारी चंदर चली गई है, अपन भी चलते हैं अब यहाँ से मथुरा। पहले मुझे गैस भी डलवानी है, तो छटिग्रा होते हुए जाऊँगा प्रेम मंदिर के सामने से। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. ये कब मंजन कर रही है इस समय ब्रो सो रहा है तेरा, सुबह से नहीं किया?
भाई शाम के टाइम दोपहर टाइम में आया हूँ और आते आते सवारियाँ मिल गई हैं मेरे को, पीछे महाराज जी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एड्रेस में कंफर्मेशन मिल रही है ये, तो वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई शाम को आने के बाद खाना पीना खाने के लिए दोपहर से जब वापस आया तो आते आते मेरे को वृंदावन की सवारी मिल गई थी, उनको छोड़ के अभी अभी आया हूँ। और मथुराज वृंदावन के दो चक्कर लगे भाई लगातार, दोपहर को भी जब घर गया था उससे पहले वृंदावन से लौटा था, और घर से लौटने के बाद फिर से वृंदावन भी आने की कह रहे हैं। हमारा राहुल है, ये छोटू, पीछे कुल्लू, इधर इकबाल, ये दो कलर की इसकी शर्ट नहीं है भाई साहब, ऊपर से जैकेट पहन रहा है अभी, आधी पहनी हुई है देखो। हाँ, तो ये लोग हैं जो बेवकूफ बना देते हैं सवारियों को, कहाँ की कहाँ छोड़ के आए। तुम बना रहे हो बेवकूफ, तो हम क्या बेवकूफ बना रहे? तू वृंदावन की कह के जन्म भी छोड़ के आ गए, बोले 10 रुपए सवारी में ले गए। अभी कितने बता रहा था ये? 10 रुपए सवारी। 10 रुपए तो 8 किलोमीटर आना यार, 10 रुपए सवारी तो बनता ही है। 6:30 बज गए हैं, लाइट ऑन हो गई है, तो आप सभी को शाम की राधे राधे भाई। ये हमारा मथुरा जंक्शन, एक भाई घूम रहा है और देख भी रहा है क्या हो रहा है। हेलो कर दिया करो, नहीं करते हैं ये लोग, केवल घूरते ही हैं। कुछ मित्र मंडली पीछे की लोग भी खड़े हैं, ये गौरी पंडा जिसने हाथ उठाया अभी अभी। और हाँ यार भाई, कमेंट करने वालों प्लीज़ यार, इतना ज़्यादा कठोर मत हो भाई के लिए, अनपढ़ आदमी है यार। और आप लोगों को सारी स्थितियाँ पता ही है, मेरे ब्लॉग अगर देख रहे हो पीछे से, नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ जाके चेक करो और फिर कमेंट किया करो यार। जो भी टाइम निकालता हूँ ना मैं ब्लॉगिंग के लिए, वो अपनी जेब से खर्चे के टाइम से निकालता हूँ, ये लगा लो मैं खड़ा रह जाता हूँ कभी कभी ब्लॉग करने के चक्कर में, और दूसरे सवारी पकड़ के ले जाते हैं, तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मेरे को। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक दिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सा दिखाइए अपने भाई के लिए यार, 334 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें बन के करवाइए ताकि भाई और भी खुल के आप लोगों के लिए ब्लॉग बना सके, कहीं जा सके अलग मंदिरों पर। क्योंकि गाड़ी अभी भाई परिवार के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल जो करता हूँ ये हमारे भाई साहब हैं। तो भाई शाम के 8 बज चुके हैं, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए भाई, थक गया हूँ यार। आज सुबह के टाइम तो मेरा हल्का ही रहा था काम, लेकिन शाम को बंसी वाले ने सुन ली तो थोड़े दो चक्कर अच्छे लग गए, एक वृंदावन का और एक यहाँ मथुरा नोकल। तो थोड़ा सा जेब में कुछ आ गया है, भजन नहीं होता ना तो बहुत बेचैनी होती है। और खासतौर से यार जो फैमिली चला रहे हैं, जिनके पास जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई। कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं है, कैसे कहते हैं ऐसे कुछ कहते हैं, पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, तो वही वाला है भाई। जिम में पैसा होना आजकल बहुत ज़रूरी है कैसे भी हो। हालांकि मैं कोई गलत काम नहीं करता, अपने हाथ पैरों से मेहनत कर रहा हूँ, इससे पैसे कमाता हूँ। खैर हो गया कुछ, अब निकलते हैं घर के लिए, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे यार, थक गया हूँ भाई। मम्मी बांट रही है प्रसाद, खाएगा सोमवार आज। अच्छा जय हो मेरे बाबा की। ये है कब अनु ले लिया, हेलो नहीं बोला तूने आज, दोनों हाथ गिर गए बेचारी के। हेलो मम्मी ने हेलो बोल दिया भाई। और इधर कमरे में से आवाज आ रही है टीवी की, ये देखो चड्डी में पड़ा हुआ मंगू, चड्डी वे मंगू, चड्डी वे मंगू, चड्डी वे मंगू, दिख गया हो तो इसके कार्टून चलते रहते हैं। हाँ कैसे रहता है नंगा रहता है एकदम, चड्डी और बनियान में खाली, इतना बड़ा हो गया है फिर भी चड्डी में रहता है, चड्डी में गंदा बच्चा। ये रहे गीता जी, पानी लेके आई हैं, हेलो कर रही हैं, पानी दे दो हमको, ये आ गया पानी। तो गाइस रात के 10 बजे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो सब सो चुके हैं, मंकू, गीता, दूसरे वाले कमरे में अंजलि, मम्मी वगैरह सब सो गए, मैं जगा हुआ हूँ क्योंकि ब्लॉग को एडिट कर रहा था। अब केवल ये एंड वाला पार्ट रह गया है, इस ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। और यार कमेंट प्लीज़ यार थोड़ा सा हल्का रखा करो, आप सारी मजबूरी मेरी जानते हो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, अलग अलग ब्लॉग बनाऊँ और बनाऊँगा भी, नहीं थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के राधे राधे, नमस्कार।